दर्द कुछ कम हुआ? अपनों के लिए आपका दर्द बहुत गहरा होता है। चलो चलो जीवा के पास चलो। एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसे कसम है ये? क्या बात है अप्पा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? कसम रिश्तों को कैसे उलझा देती है। एक कसम इंसान को दो रिश्तों के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर देती है। पर ऐसा क्यों, किस लिए? रोज बायजा को देखता हूं घुट घुट कर जीते हुए, अपने बेटे साई से दूर रहते हुए वो बिल्कुल खुश नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हर माँ अपने बच्चे का भला चाहती है, खुश देखना चाहती है उसे। हाँ, तरीका भले ही अलग हो लेकिन माँ का प्यार हमेशा सच्चा होता है। आपकी माता जी भी ये बात जल्द ही समझ जाएंगी कि उनके इस फैसले से ना आप खुश हैं ना पायसा का। एक माँ का दर्द दूसरी माँ कैसे नहीं समझेगी। जीवा, जीवा, घाव नहीं भरने देना चाहते हैं हम, ताकि बदले की आग जलती रहे। बहुत शक्तिशाली होती है बदले की भावना, यह हमें थकने नहीं देती। अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं हम उसके लिए। बदले से बड़ा कोई मकसद नहीं होता, है ना? लेकिन जब बदला पूरा हो जाए उसके बाद क्या? क्यों आए हो यहां पर? चले जाओ यहां से। ठीक है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। किसी दिन इस कुएं से पानी निकल आया तो तुम क्या करोगे? उस कुलकर्णी को कुएं में डुबा के मार दूंगा। कुलकर्णी सरकार को इस कुएं में डुबो के मार देने से क्या तुम्हारे जले हुए खेत वापस आ जाएंगे? क्या वो लहलहाती हुई फसल वापस मिल जाएगी? उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। आई नहीं ले जा सकती है तो क्या हुआ, पर मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ। पायसा, रसोई में होगी लेकिन जवाब नहीं देगी। राम 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 राम। क्या रखूं?
और आई क्या क्या लगाती थी थाली में? अचार। जी आई, आपने बुलाया? मैं मंदिर जाके आती हूँ। जी। तेरी आंखें क्यों लाल है? कुछ पूछा मैंने, बताओगी कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आती हूँ। अच्छा हुआ आजी ने मुझे देखा नहीं, वरना मुझे भी कसम खानी पड़ती। तो क्या है ये थाली? किसके लिए? जिसके लिए आपकी आंखें रो रो के लाल हो गई है। पर तातिया तू ये कसम आपने खाई है, मैंने तो नहीं ना। मैं तो साई के लिए खाना ले जा सकता हूँ, है ना? मैं अभी आता हूँ। तात्या, आई मैं जल्दी से जाके आता हूँ, वरना आज ही आ जाएगी। जीवा, कुआं खोदना नेक काम है। कुआं लोगों की प्यास बुझाता है, कुआं लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जिस वजह से तुम कुआं खोद रहे हो वो गलत है। नफरत से किया हुआ कोई काम शायद सफल हो भी जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस नफरत, इस बदले की भावना का परित्याग कर दो और राम नाम को अपनी शक्ति बनाकर दोबारा खुदाई शुरू करो। नफरत जहां पहुंचाएगी तुम्हें, वहां से लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर राम का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो लौटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही एक रास्ता सही रास्ता है। वही सही रास्ता है तो इतने सालों में मुझे दिखा क्यों नहीं? रास्ता तो हमेशा ही तुम्हारे सामने था, लेकिन तुमने चुना ही नहीं। किसी इंसान के अत्याचार को ईश्वर का अन्याय मान लिया और रास्ता खो बैठे। ईश्वर भी मजबूर हो जाता है जब उसके बंदे उसकी बात नहीं मानते। वो इंतजार करता है उनके लौट आने का। उसकी बाहें हमेशा खुली रहती हैं, जैसे माँ बाप का दिल अपने बच्चों को गले लगाने का इंतजार करता है। बाबा, अपने दिल से बदले की भावना मिटा के नफरत भुला के फिर से खुदाई शुरू करो जीवा।
राम जी की जय, राम जी की जय। राम जी की जय, बाबा। आज तो तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन सबका मालिक एक, जब उसने हमें इस दुनिया में भेज दिया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम भी कर ही देगा। साईं, साईं, ये आपके लिए। आप यहाँ कैसे सोते हैं? कष्ट नहीं होता आपको? धरती हमारी माँ है तात्या, जननी है हमारी, और माँ की गोद में सोने से बड़ा सुख कुछ हो सकता है क्या? वैसे ही सोता हूँ जैसे तुम सोते हो बायजा माँ की गोद में। कष्ट होता है क्या? नहीं। बायजा माँ नहीं आई? ठीक तो है वो? आई तो ठीक है, पर नहीं बता सकता, गुस्सा करेगी आई। खुशकिस्मत हो तुम, माँ अपना अधिकार समझती है इसीलिए गुस्सा करती है। वहां आई दुखी है, यहाँ साई दुखी है, क्या करूं बता दूं? वो मेरी आजी है ना, उनकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आजी आपसे बहुत गुस्सा है, पर आजी ने आई को कसम दी है वो आपसे कभी नहीं मिलेगी और बात भी नहीं करेगी, इसलिए आई आपसे बात नहीं कर रही है। भेड़ियों से मुक्त सिर्फ जन्म और मृत्यु है, बाकी पूरा जीवन बंदिशों में। इनकी गिरह खोलें तो कैसे? बड़े ही महीन से रिश्ते बंधे होते हैं इनमें। इनकी गिरह खोलो तो ये रिश्ते भी खुल के बिखर जाने का डर होता है। लेकिन लेकिन जिस रिश्ते में डर हो, क्या वो रिश्ता है? साई, जल्दी से खाना खा लो, आज जी मंदिर से घर पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। चलो सरकार। हरिओम, आ गया फिर से सरकार। वर्षों का रोना फिर से रोएगा, मेरे खेत जला दिए, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। हरिओम, आज मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा, जितना चाहो कूटना इसे। सरकार, 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 अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, नहीं तो मैं आपके घर आता। क्यों सरकार? मेरे मेरे कुएं का पानी
मैं तपस्या सफल हो गई। पीकर देखिए कितना मीठा है। चल, तेरे कुएं में कहां से आएगा जल? निसंदेह किसी और के कुएं से चुरा के लेके आया होगा तू। चला। अब बढ़ेगा इस पागल का पागलपन। चल यहां से निकल। राम जी की जय। जीवाज पागलों जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर रहा है? कद्दू भैया, मेरे कुएं का पानी। कद्दू भैया, मेरे कुएं का पानी बहुत मीठा है। हाँ, मौसी मौसी, मेरे कुएं का पानी। इस पागल को बाद में देख लूंगा। अभी चावड़ी जाकर थानेदार के सामने डकैतों से साईं का सच उगलवाना है। उसके बाद अंग्रेज सरकार खुद ही साईं को गिरफ्तार करके शिरडी से बाहर निकाल देगी। सरकार, ये जीवा तो कुछ अजीब। छोड़ो उसे, चावड़ी चलो। हरिओम। चलो जल्दी, चलो चलो चलो, चलो चलो, हटे यहाँ से। ये देखो माँ, अब तो मुस्कुराओ ना। आगे से जब भी थाली भेजनी हो तो मुझे दे देना, मैं ले जाऊंगा। तू ये कर रही है मेरे पीठ पीछे, वो भी तात्या की आड़ में। आने दे आज अप्पा को, वो तुझे। बाईजा मां। साईं, लो आ गया ढोंगी। काशी राम पर किसने हमला किया, सीधे सीधे बताओ। सीधे से उत्तर देते तो डाकू और सभ्य लोगों में क्या अंतर रह जाएगा थानेदार जी? आइए कुलकर्णी सरकार। हरिओम। ये जो भी कुछ कहेंगे न जाने उसमें कितना सत्य होगा। ऐसा क्यों सरकार? उत्तर क्या मिलेगा यह निर्भर करता है प्रश्न पे, और आपका प्रश्न उचित नहीं है। यदि इनसे सत्य उगलवाना है तो प्रश्न मैं करूंगा। ठीक है। पूरी थाली खा के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, जो भिक्षा मांगने आ गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो यहां सिर्फ अपनी बाईजा माँ के दर्शन करने आया हूं। माँ नहीं है वो तुम्हारी, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ है वो, तभी तो अपने बेटे से ना मिल पाने के दुख में, उससे बात ना कर पाने के दुख में अपनी आंखें नम करती है। यहां से मुझे भिक्षा नहीं, सिर्फ अपनी मां की ममता चाहिए। बस इसीलिए मैं यहां आता हूं, मेरी मां को मुझसे मत छीनो। मां मानते हो ना? अगर मानते हो ना तो दोबारा इस चौकट पर कदम मत रखना। ऐसे क्या देख रहे हो? आरोप तुम पर नहीं, आरोप उस पर है जिसने तुमसे ये सब करवाया है। लेकिन काशीराम पर हमला
मतलब काशीराम की मौत तो हमारे वजह से हुई है। अरे मरा कहाँ वो धीट, जिंदा है, जीता जागता। क्या इतना बेरहमी से मारने के बाद भी वो बच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं काशीराम को भी उन्होंने बचाया? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, काशीराम को उसने ही बचाया है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम उसे? ये समझ लीजिए कि हम उनकी वजह से ही यहाँ हैं। अरे ओ, वो है ही ऐसे, है ना? अरे ओ, थोड़े ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। हाँ, हम उनकी वजह से यहाँ हैं। तो तुम जिन कारणों से यहाँ पर हो उसमें उसी का ही हाथ है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही कारण हो रहा है कि नहीं? तब तो तुम अपना असली मुखिया उसी को मानते होंगे। मुखिया नहीं, गुरु है वो हमारे। उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया है। ये समझ लीजिए उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं हम। उनके लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। हरिओम। सुन रहे ना थानेदार जी, अपना मुखिया अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब बता भी दो अपने गुरु का नाम। हमारे गुरु का नाम है साईं। मेरी यहां तक की योजना तो सफल हुई, मुझे इनके मुंह से साईं का नाम उगलवाना था। बड़ा शिरडी का वैद बनने चला था, लेकिन जो संकट उसके जीवन में आने वाला है उसका उपचार कौन करेगा? हरिओम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.